शिवहरी काली मंदिर सिलीगुड़ी से 26 किलोमीटर की दूरी पे है। सिलीगुड़ी तक पहुंचने के लिए दो मार्ग हैं, एक ट्रेन के द्वारा जहां आपको न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा और अपनी सुविधा अनुसार कोई भी यातायात के साधन जैसे कि ऑटो, टैक्सी, बस इत्यादि ले सकते हैं। दूसरा मार्ग विमान के द्वारा जहां आपको बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना होगा और आप फिर वहां से कोई भी लोकल बस या टैक्सी आप वहां से ले सकते हैं। इसी प्रकार आप सेवक की यात्रा शुरू कर सकते हैं। आप पीसी मित्तल बस स्टेशन से कोई भी सेवक जाने वाली बस पे यात्रा कर सकते हैं। आप सेवक जाते वक्त बंगाल सफारी का आनंद भी उठा सकते हैं। आसपास आर्मी कैंप्स है जो हर वक्त तैनात पे खड़े रहते हैं और मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सेवक काली मंदिर की यात्रा करते वक्त आप अपने आप को प्रकृति के बीचों बीच पाएंगे। आसपास की हरियाली, पेड़ पौधे, पहाड़ों के बीच तिस्ता नदी का बहता पानी, प्रकृति का ये सौंदर्य रूप आपको सुकून दिलाएगा। आइए हम आपको सेवक काली मंदिर के दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं इस मंदिर को कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। इस मंदिर को चढ़ने के लिए आपको 100 सीढ़ियों को चढ़ना होगा। न जाने कितने आंधी और तूफान यहाँ आ चुके हैं, लेकिन मंदिर को आज तक कुछ नहीं हुआ। अब इसे माँ का चमत्कार कहे तो शायद बात गलत नहीं होगी। सेवक काली मंदिर से आपको यहाँ से कंचनजंगा का बर्फीले पहाड़ों का दृश्य भी बड़ी खूबसूरती से दिखाई देगा। आसपास के जितने भी टूरिस्ट हैं, जो भी आसपास रहने वाले लोग हैं, वह इस मंदिर में आकर माँ के दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ काली मंदिर के यहाँ पर रोज भक्त आते रहते हैं, माँ के दर्शन करते रहते हैं। माँ काली मंदिर बड़ा प्राचीन मंदिर है। माँ काली जो आदि शक्ति का रूप है, जो बुराई पे अच्छाई का जीत का प्रतीक है माँ काली। माँ काली का मंदिर बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि मंदिर बड़ी खूबसूरती से बना हुआ है। मंदिर के आसपास कई पेड़ पौधे हैं जो इस मंदिर की खूबसूरती को और चार चांद लगा देते हैं। आप देख सकते हैं ये पवित्र, ये साफ झरने का पानी किस तरह से बह रहा है। अब हम मंदिर के द्वार पहुंचने ही वाले हैं। हम आप सभी को वापस से बता देते हैं कि मंदिर को चढ़ने के लिए आपको 100 सीढ़ियों को पार करना होगा, तभी आप माँ काली के दर्शन कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि माँ काली के मंदिर को कितनी खूबसूरती से बनाया गया है, सजाया गया है। आपको बता देते हैं कि माँ काली के मंदिर में रोज यहाँ पर पूजा होती है। जब त्योहार का समय होता है, जैसे नवरात्रि हो या दुर्गा पूजा हो, माँ के मंदिर को बड़ी खूबसूरती से सजाया जाता है। यहाँ अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगहों से लोग माँ के दर्शन करने आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ की पूजा की जा रही है, माँ को फूल चढ़ाए जा रहे हैं, चुनरी चढ़ाई जा रही है। आप देख सकते हैं अपने आसपास की यहाँ पर ऐसे माहौल में भी लोग माँ की पूजा करने ज़रूर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर माँ काली के दर्शन के लिए वहाँ पर माँ काली की मूर्ति है। माँ को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है ताकि यहाँ के आने वाले जो भी भक्त हो उन्हें कोई भी तकलीफ ना हो किसी तरह की। माँ काली मंदिर में माँ के दर्शन के बाद आप वहाँ बहुत प्रसिद्ध टूरिस्ट साइट कोरोनेशन ब्रिज की खूबसूरती का आनंद भी उठा सकते हैं, तस्वीरें ले सकते हैं। इस ब्रिज से कई द्वार जुड़े हैं जो दार्जिलिंग के जिला और कालिम्पोंग को भी जोड़ते हैं।
इस ब्रिज के माध्यम से आप भूटान भी जा सकते हैं। अब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, पर वादा करते हैं कि ऐसी और देश के धरोहर पर्यटन स्थलों को आपके समक्ष लेकर आएगी।